दोस्तों, चाइना को हमसे 2 साल बाद फ्रीडम मिला था, लेकिन आज वो कहाँ है और हम कहाँ हैं? जिन पॉलिटिशियंस को हम ये समझ के वोट देते हैं कि वो हमारे सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, हमारे एजुकेशन को चेंज करेंगे, वो खुद अपने बच्चों को फॉरेन भेजते हैं स्टडी करने के लिए। अगर हम स्टैट्स देखेंगे तो हर दिन में 20 बच्चा सुसाइड कर रहा है, मतलब ऑन एन एवरेज 1 घंटे में 1 बच्चा सुसाइड कर रहा है। हम इस कंट्री को कहाँ लेके जा रहे हैं? जो एजुकेशन इस कंट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना था, वो एजुकेशन आज खुद एक प्रॉब्लम बन गया है। सो दोस्तों, आइए समझते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्या प्रॉब्लम है और इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि आपको बहुत सारे यूट्यूबर प्रॉब्लम बताने वाले तो मिलेंगे लेकिन सॉल्यूशन बताने वाले शायद कम। इसे दोस्तों आप और हम जैसे यूथ मिलके ही सॉल्व कर सकते हैं। सो आइए शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज फर्स्ट ब्रेव एंड बोल्ड पॉडकास्ट जिसका नाम है द यूथ शो। दोस्तों, दुनिया में जब दूर दूर तक किसी यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट नहीं था तो भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसे यूनिवर्सिटीज थी, गुरुकुल थे, जहां पर 20,000 स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ते थे। भारत ज्ञान का वो केंद्र हुआ करता था जहां से आर्यभट्ट, बोध्यान, सुश्रुत, कनक, चरक जैसे महान रिसर्चर होके गए हैं। दोस्तों, बोध्यान ने सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2 की सीरीज बताई थी जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिखता होगा। इन्होंने पाइथागोरस के कई साल पहले ही पाइथागोरस थ्योरम प्रपोज कर दिया था, लेकिन आज हम क्रेडिट पाइथागोरस को देते हैं। दोस्तों, आर्यभट्ट को आप सब जानते ही होंगे जिन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया था, लेकिन वो बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी थे। इन्होंने सबसे पहले प्रैक्टिकली प्रूव करके बताया था कि अर्थ राउंड इन शेप होता है और अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है, और मून पर जो आपको लाइट दिखता है वो लाइट उसका खुद का ना होकर सन के लाइट का रिफ्लेक्शन है। इसे भी प्रैक्टिकली प्रूव करके बताने वाले आर्यभट्ट थे। दोस्तों, आप सब सुश्रुत को जानते ही होंगे जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी को इंप्लीमेंट करके बताया था। इतना ही नहीं, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है सुश्रुत संहिता, जिसके अंदर 1100 डिजीज को मेंशन किया गया है और उसे क्योर करने के लिए 760 प्लांट्स को डिस्कस किया गया है। और चरक को तो आप सब जानते ही होंगे, आयुर्वेद में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और दोस्तों, कनक ने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था, इसे भी सब जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उस समय ना तो हमारे पास टेलीस्कोप था, ना ही कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, फिर भी हमें सारे 9 प्लैनेट्स पता थे जो आज हमें पता है। उस समय ऐसा क्या था कि साइंस और टेक्नोलॉजी में हम इतना आगे थे और आज 1930 के बाद एक भी नोबेल प्राइज इंडियन एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर किसी ने भी नहीं लाया है इंडिया में। सो इतना हम पीछे साइंस और टेक्नोलॉजी में कैसे चले गए? दोस्तों, विवेकानंद का कहना है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर जो खूबियां है उसे उभारने का काम करती है, यानी एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी विद इन अस। लेकिन विवेकानंद की जयंती पे शुभकामनाएं देने वाले बड़े बड़े पॉलिटिशियंस क्या इस आइडिया को एजुकेशन में इंप्लीमेंट करने में सफल रह पाए हैं? दोस्तों, ये एक सोचने का विषय है कि एजुकेशन का एक्चुअल मकसद, एक्चुअल पर्पस क्या होना चाहिए। जब ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करने आए थे तो मैकॉले, जो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनका एक स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में 1835 में। दोस्तों, ये स्टेटमेंट बहुत लोगों ने मॉडिफाई करके इंटरनेट पर सर्कुलेट किया है जो फॉल्स है। जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तब आपको समझेगा कि पूरा का पूरा जो खेल अंग्रेजों ने हमारे साथ किया वो क्या था। देखिएगा, मैकॉले अपने स्पीच में साफ साफ कहते हैं कि आई डू नॉट एंटिसिपेट वी वुड एनी टाइम बीट दिस कंट्री अनलेस वी ब्रीच द एक्चुअल करेज ऑफ दिस नेशन विच इज हर एयरी एंड कल्चरल हेरिटेज। मतलब जब तक कल्चरल हेरिटेज को पूरी तरह से ब्रेकडाउन नहीं कर दो इंडिया को, तब तक हम यहाँ पर रूल नहीं कर सकते, ऐसा उनका मानना था। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल का कंसेप्ट लाया, हिंदू मुस्लिम दलित को आपस में डिवाइड किया। उसके बाद इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया जिसके थ्रू गुरुकुल को तोड़े गए, कॉन्वेंट स्कूल बने, इंग्लिश को कंपलसरी किया गया, फिर उसके बाद रिटन एग्जाम का सिस्टम लाया गया, और आज भी वही ब्रिटिश जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे यहाँ चलता आया है। हाँ, अब जाके एनईपी के थ्रू इसे बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये देखना होगा कि कितने हद तक वो इम्प्लीमेंट हो पाता है। आज भी इंग्लिश को एक क्लास माना जाता है हमारे इधर, कि कोई कितना स्मार्ट है ये देखकर पता किया जाता है कि उसे कितनी इंग्लिश आती है। कई तो मैंने ऐसे टीचर देखे जिनको आता था कुछ नहीं है, लेकिन वो कंसेप्ट को इंग्लिश में ऐसे बड़बड़ करते हैं कि मान लो कि उन्हें बहुत कुछ आता है। दोस्तों, आज भी आप देखेंगे इंजीनियरिंग में कई सारे स्टूडेंट्स के ड्रीम जॉब्स होते हैं गूगल, अमेजॉन, कोई गलत नहीं है इसमें। आप देखें कई सारे इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत बड़े बड़े अमाउंट चार्ज करते हैं ये सिखाने के लिए कि भाई उस अमेजॉन में, गूगल में किस टाइप के कोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्रैक किया जाए उनके एग्जाम। मतलब क्या हो रहा है यार, एजुकेशन में हमें बताया जा रहा है कि कंपनियों में जाके जॉब कैसे करना है, उनके एग्जाम को क्रैक कैसे करना है, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं? मैं इसे गलत नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे भी तो लोग होने चाहिए ना जो हमें ये बताया कि ऐसी कंपनियां बनाई कैसे जाती है, उसको बनाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, एक जो एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट होता है वो कैसे डेवलप किया जाए, इस चीज को कितने लोग प्रमोट कर रहे हैं। मतलब एक हिसाब से आप देखोगे कंज्यूमर ओरिएंटेड माइंड हमारे इधर ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इवन आप देखोगे कि आज भी YouTube जो चैनल्स है, जैसे आप टेक्निकल गुरुजी ले लीजिए, वहां पर मोबाइल बहुत अच्छा चैनल है जिसपे बताते हैं कि भाई ये मोबाइल आया इतने का है, इतने का है, ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। तो ऐसे आप कितने YouTube चैनल देखोगे जो मोबाइल बनाना सिखाते हैं, होंगे भी तो लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करते। तो ये भी एक अपनी तरह का माइंडसेट है कि भाई खरीदने वाला जो माइंडसेट है। आज भी आप देखोगे कि जो डिफेंस से
रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है वो हम लोग बाहर से ला रहे हैं। चाइना 1989 में 90% चीजें बाहर से इंपोर्ट करता था और आज वो 90% चीजें खुद डिफेंस के बनाता है। तो सोचिए कितना ज्यादा बदलाव चाइना में हुआ है, जबकि आज भी हम फ्रांस से राफेले खरीद रहे हैं और उसमें बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। हम कब बनाएंगे ऐसी चीजों को? मुझे लग रहा है कि चेंज आ रहा है, मेकिंग इंडिया का कंसेप्ट आया। हाँ। अभी हम लोग INS विक्रांत इन हाउस इंडिया में बना रहे हैं। हाँ, राइट। सबमरीन्स भी डेवलप कर रहे हैं इंडिया में, तो थोड़ा चेंज आया, बट वी नीड टू सपोर्ट देम। राइट। लेकिन कुछ ऐसे पप्पू लोग होते हैं कि जिनका कुछ भी सपोर्ट नहीं होता ऐसी चीजों में, लेकिन वो लिखते हैं कि मेक इन इंडिया फेल हो गया, ये हो गया। देखिए, हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसा मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फुल सपोर्ट नहीं हूँ, ना तो किसी का भक्त हूँ, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम करती है तो आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं उस चीज में, तो आपको क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए। इसके पहले मुझे नहीं लगता किसी ने भी सोचा था कि मेक इन इंडिया का कोई कंसेप्ट हो। तो अगर ऐसी चीजें अच्छी आई है तो आपको ऑब्वियसली उसका सपोर्ट करना चाहिए, राइट? लाइक यू हैव मेंशन की क्रिएटिव माइंड, ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा माइंडसेट पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। हमारा माइंडसेट अब बेसिकली क्रिएटिव माइंड से हटके कंज्यूमर माइंड हो चुका है। और अभी देखो ना, हम जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर हम उनकी इंटेलिजेंस को जज करें, मेजर करें, तो हम लोग उनके ग्रेड्स देखते हैं, ठीक है? जिस आप कब क्रिएटिव होते हो, आप क्रिएटिव तब होते हो जब आप फ्री रहते हो। जब आपका माइंड फ्री होता है तो आपके माइंड में अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, राइट। बट स्टूडेंट को इतना प्रेशराइज कर दिया गया है ग्रेडिंग के नाम पे, पेरेंट्स ने प्रेशराइज किया, सोसाइटी ने प्रेशराइज किया कि उनको परफॉर्मेंस अच्छी देनी है, ठीक है? तो इसके वजह से ना उनका जो क्रिएटिविटी है वो कहीं दबके रह गया, राइट? ओके, तो अभी उसके बाद अभी सबसे खराब चीज़ ये हो रही है कि अभी जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको कोडिंग भी सीखना कंपलसरी कर दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने। हाँ। और उसका ही फायदा भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, बाकी जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो उठा रहे हैं, वो लोग कैसे प्रमोट कर रहे हैं, आप देखोगे कैसे क्रिएटिविटी को, हमारे क्रिएटिविटी को कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो उन लोग का जो प्रमोशन का तरीका है वो बेसिकली ये है कि अगर आप कोडिंग सीखते हो तो आपको नासा में भेजेंगे, अगर आप कोडिंग सीखते हो तो आपको सिलिकॉन वैली में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मतलब आप लिटरली ये बोल रहे हो कि इंडिया में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, इंडिया की कोई औकात नहीं है। मतलब आप छोटे छोटे बच्चों के माइंड में ये भर रहे हो कि इंडिया में कोई वैल्यू नहीं मिलेगा आपको। आपको अगर कोई भी अचीवमेंट करनी है या कुछ भी अचीव करना है लाइफ में, तो वो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। मोस्टली आप अपने टैलेंट को बाहर भेज रहे हो, ओके? इसी चीज को प्रमोट कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि अगर ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हमें इसे डिफरेंट वे से हैंडल कर सकते थे, लाइक मुझे ये भी नहीं लगता कि कोडिंग कंपलसरी हर बच्चे के लिए होता है। हर बच्चे के लिए कोडिंग नहीं होता है। हाँ, मतलब हर बच्चे का स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर डिफरेंट। उनको अगर कभी कभी ऐसा भी होगा कि कुछ बच्चे, इनफैक्ट मैंने कोरा पे पढ़ा भी है कि कुछ बच्चे कोडिंग नहीं सीख पा रहे तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। तो उनको, उनका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये हमें पहले एनालाइज करना चाहिए। तो अगर अभी ये प्रमोट, जिस हिसाब से इन्होंने प्रमोशन किया, इसका डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, आप रिव्यू पढ़ सकते हो। एग्जैक्टली। हाँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो प्रमोशन का तरीका है वो ऐसा भी तो हो सकता था कि हम बोलते कि अगर आप कोडिंग सीखते हो तो आपको इसरो में भेजेंगे, इसरो ने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया रिसेंट टाइम्स में, कोडिंग करके हमारे इसरो के लिए काम करो। या फिर बैंगलोर में बहुत सारे स्टार्टअप्स है, इंडिया में बैंगलोर को हम इंडिया का सिलिकॉन वैली बोलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देंगे, इंटर्नशिप्स देंगे, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे काम करने मिलेगा, हम ऐसा भी प्रमोट कर सकते। तो इससे क्या होगा, अच्छा मैसेज जाएगा। बट अब जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है, ओके? और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि अभी उनको, उनसे, बच्चों से ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो वेल ट्रेन्ड या वेल एजुकेटेड ना बने, वो वेल मैनर्ड बने, क्योंकि एट द एंड चीजें हैं जो सिखाने की जरूरत है। क्योंकि वेल मैनर्ड बनेंगे वही आगे काम आएगा, ओके? उनकी क्रिएटिविटी को एनहांस करे, बूस्ट करे। जब आप छोटे रहते हो ना तो आपका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा होता है, क्यूरियोसिटी, आप क्यूरियस रहते हो, तो आप उनको प्रमोट करके क्वेश्चन पूछे वो। और ये सब कैसे होगा, ये सब सिर्फ एकेडमिक्स या बुकिश नॉलेज से नहीं होगा, राइट? ये आपको उनको फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में, राइट? ओके, आप उनसे बहुत सारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करवाओ, आप उन्हें सिंगिंग डांसिंग में पार्टिसिपेट कराओ, उनमें इन्वॉल्व करो, उनका इमेजिनेशन को बाहर लाओ, पेंटिंग्स में डालो, पेंटिंग्स में उनका इमेजिनेशन पूरी तरीके से बाहर आएगा, राइट? ओके, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं और इससे उनकी क्रिएटिविटी को लिटरली बहुत ही अच्छा बूस्ट मिलेगा। स्पीच कंपटीशन, लाइक मुझे लग रहा है कि हम बहुत बड़े भी हो जाते हैं तो पब्लिक में बोलना, ये बहुत ही बड़ा फियर होता है। तो पब्लिक, किसी टॉपिक पे पब्लिक स्पीकिंग करवा सकते हो, तो ये सब छोटे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मतलब ये सारी चीजें हम क्यों नहीं कर रहे? मुझे लग रहा है ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो क्रिएटिविटी, जो कंज्यूमर माइंडसेट से क्रिएटिव माइंड हम लोग डेवलप कर पाएंगे इन फ्यूचर।
यस नितेश, तुमने बिल्कुल सही बोला कि जो बच्चे का दिमाग होता है वो काफी क्यूरियस होता है, वो हर चीजों को देख के क्वेश्चंस करता है। तो मुझे लगता है बच्चे को दिमाग जो होता है उसे खुलने देना चाहिए। अब आप देखोगे बहुत सारे बच्चे बुक से याद करते हैं P4 potato, लेकिन कितने लोग हैं जो पोटैटो की खेती सही में जानते हो कैसे होता है। तो पेरेंट्स की जवाबदारी बनती है कि वीकेंड में वो अपने बच्चे को गाँव में लेकर जाए और दिखाए कि खेतियां कैसे होती। मुझे नहीं लगता कि कोई जहां पर भी रहता होगा उसे 100 किलोमीटर पे कोई ना कोई गाँव तो होगा ही, राइट? तो वहां पे ले जाकर बच्चे को विजिट कराए, इससे जो किसान होंगे उन्हें भी अच्छा लगेगा कि भाई उनकी खेतियां देखने के लिए बच्चे आ रहे हैं, राइट? और बच्चे को भी नेचर से कनेक्शन होगा। आप देखोगे बहुत सारे पेरेंट्स जबरदस्ती अपने बच्चे को मारते हैं, ABCD नहीं याद होता उनको। तो अब मुझे कोई भी फॉरेनर लाके दिखा दो जो अपने बच्चे को हिंदी नहीं आता इसके लिए मारता हो, शायद आपको नहीं मिलेगा ऐसा कोई। तो आप अपने बच्चे को जबरदस्ती क्यों इंग्लिश इम्पोज कर रहे हो? वो बड़ा होकर खुद सीख लेगा ना। लेकिन हमें ये बोलकर इंग्लिश सिखाया जाता है कि इंग्लिश सीखोगे तो अच्छा जॉब मिलेगा, प्रोफेशनल लैंग्वेज है, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि चाइना, जर्मनी, जापान में देखोगे वो अपनी लैंग्वेज में खुद पढ़ाते हैं, लेकिन हम इंग्लिश में क्यों पढ़ाते हैं? उसका रीजन है क्योंकि चाइना, जापान, जर्मनी बहुत सारे प्रोडक्ट अपने इधर खुद बनाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, दूसरों के बनाए प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो जब आप खरीदोगे तो कहाँ काम करोगे? आप MNCs में काम करोगे, Amazon में काम करोगे, है ना, Flipkart में काम करोगे, आप दूसरे गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, जो फॉरेन कंपनियां वहां पे काम करोगे और उनके प्रोडक्ट बनाओगे। Yes. समझ रहे हो? तो क्या अब जब आप बाहर की कंपनी में काम करोगे तो आपको इंग्लिश आना ही चाहिए, लेकिन जब आप अपने खुद की कंपनियां बनाओगे, खुद के प्रोडक्ट बनाओगे, तो आपको दूसरी लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ऐसा कुछ हुआ कि आज हमारे लिए इंग्लिश कंपलसरी है, और बच्चे घर में भोजपुरी में, मराठी में, हिंदी में बात कर रहे हैं, अब उनको इंग्लिश कैसे आएगा? जब वो उनके आप कोई भी इंग्लिश मीडियम का बच्चा उठा लो तो वो भले कितना भी इंग्लिश में पढ़े लेकिन उसको सपने हिंदी में ही आएंगे। समझ रहे हो? तो ये हमें सोचना होगा कि जो सोचने का लैंग्वेज है और जो पढ़ने का लैंग्वेज है उसमें बहुत बड़ा गैप है। इंग्लिश को लेकर इतना ज़्यादा हमें बच्चों पे प्रेशर नहीं लाना चाहिए कि उनकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वही कंप्रेस हो जाए, राइट? तो ये भी एक सोचने का टॉपिक है। और बच्चे को हम क्या मोटिवेट करके स्कूल भेजते हैं? आप बहुत सारे पेरेंट्स को देखोगे कि बच्चे को ये बोल के स्कूल भेजा जाता है कि पढ़ लिख के बहुत बड़े आदमी बनोगे, राइट? तो यहाँ पर अब ये सोचने का टॉपिक है, बड़ा मतलब क्या? मतलब हमारे लिए बड़ा कौन है? बड़ा आदमी बनोगे लेकिन बड़ा है कौन? तो इसका मैं एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। आप कोई भी अपने आजू बाजू को आदमी उठा लो, उससे आप 10 कोई भी फिल्म स्टार के नाम पूछो, आपको रपचिक फटफट फटफट बता देगा, राइट? लेकिन उसी से आप 10 फ्रीडम फाइटर, 10 साइंटिस्ट, 10 सेजेस के नाम पूछो तो शायद आपको नहीं बता पाएगा। हमारे लिए बड़े कौन है? ये नाच नचने या नौटंकी करने वाले लोग हमारे लिए रोल मॉडल है? ये एक सोचने का टॉपिक है, राइट? मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ। जैसे अभी आप प्रेजेंट में देखोगे सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है वो मतलब काफी चालू है, उसके ऊपर लोग आ रहे हैं कि भाई जो सच है वो सामने आना चाहिए। ऑब्वियसली मैं भी बहुत खुश हूँ ये चीज को लेकर कि लोग आ रहे हैं सामने कि वो टैलेंटेड बंदा था, जो भी हुआ गलत है वो सच तो सामने आना चाहिए। लेकिन एक चीज जो मुझे मतलब यहाँ पर बहुत दुखी करती है वो ये कि उसी बिहार से एक ऐसा साइंटिस्ट, एक ऐसा मैथमेटिशियन जिसने आइंस्टाइन की थ्योरी को चैलेंज किया था, जिसका नाम था नारायण सिंह, उनका यहाँ पे मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। उनका डेथ होने के बाद कुछ ही महीनों पहले उनका डेथ हुआ है। उनका डेथ होने के बाद उनकी बॉडी लेने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं आया, उनके भाई वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप किसको जवाबदार दोगे? तो बहुत लोग बोलेंगे गवर्नमेंट इसके लिए जवाबदार है। मैं नहीं मानता गवर्नमेंट जवाबदार है, इसके लिए हम लोग जवाबदार है। क्योंकि गवर्नमेंट को ही पता है कि यहाँ के लोगों को रिसर्चर, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो गवर्नमेंट को पता है कि एम्बुलेंस नहीं भेजे तो क्या फर्क पड़ता है? यहाँ के लोगों को तो कुकर में चना किसने चढ़ाया, खाली कुकर किसने गैस पे चढ़ाया, ऐसे पोस्ट वायरल करने हैं। तो जब तक हम साइंटिस्ट लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, अब आप देखोगे कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, इनके बर्थडे पे लोग बहुत सारी विशेष भेजते हैं, राइट? लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो इसरो के साइंटिस्ट को उनके बर्थडे पे विशेष भेजते हो? शायद जानते भी नहीं होंगे कि इसरो के साइंटिस्ट है कौन कौन, राइट ना? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि साइंटिस्ट लोग को बहुत पैसा दे देंगे, गवर्नमेंट का फॉल्ट है, उनको पगार अच्छा नहीं मिलता, उनको सैलरी अच्छी नहीं मिलती, तो आप गलत सोच रहे हो। आप कितना भी सैलरी दे दो अगर उनको रिकॉग्निशन नहीं है तो यहाँ पे वो काम नहीं करेंगे, वो नासा में जाएंगे। आप 30% साइंटिस्ट इंडियन नासा में है, मतलब 10 में से 4 साइंटिस्ट नासा के इंडियन है। क्यों? क्योंकि उनको आपने कभी रिकॉग्निशन दिया ही नहीं, उनके लिए कभी आपने कोई सेलिब्रेशन किया ही नहीं। जब उनको ऐसा लगेगा कि भाई मैं इतना कंट्री के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे को कोई पहचान ही नहीं रहा है, मेरे को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो क्यों काम करेगा? वो सिर्फ पैसे के लिए थोड़ी ना काम करेगा। यहाँ पर हमें ये अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। हम अब अपने स्कूल में देख लीजिए कितने टीचर्स हमें ये बताते हैं कि जो भी फॉर्मूला है वो आई कहाँ से, वो फॉर्मूला प्रूव कैसे होती है, वो जिसने भी वो फॉर्मूला बनाई है उसने कैसे सोच के बनाया, उसने क्या डिफिकल्टी फेस की। जब तक आप रिसर्च ओरिएंटेड माइंड बच्चों में क्रिएट नहीं करोगे तब तक वो चीज़ें कैसे प्रमोट होगी? और जब तक हम रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे, अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी है जो ये चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं भी होगा तो एटलीस्ट उसे सब्सक्राइब तो कर लो यार। कम से कम उसे इनकरेजमेंट तो मिलेगा, मोटिवेशन तो मिलेगा उस चीज़ों को करने का, राइट? यहाँ पर जब तक हम इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक ऐसी भीख में बाहर से टेक्नोलॉजी मांगेंगे, रफाले मांगेंगे और झूठा मोटा प्राउड फील करेंगे। जिसको देखो उसको जॉब चाहिए, यहाँ पे जॉब में सैलरी कम है तो यहाँ से बाहर भाग जा रहे हैं।
ये जगह एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो जो भी चाइनीज स्टूडेंट चाइना से बाहर जाते हैं और जो इंडियन स्टूडेंट इंडिया से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके माइंडसेट में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो भी चाइनीज स्टूडेंट जाते हैं उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि वहाँ पे जाके वो एक्सपर्टीज गेन करे, वो एक्सपीरियंस गेन करे, वहाँ पे रिसर्च सीखे ताकि वो वापस चाइना आए और रिसर्च करे, कुछ प्रोडक्ट बनाए। मतलब वो रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अगर स्टैट्स भी देखोगे तो वो रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट ज्यादा लेते हैं, नॉन स्टेम सब्जेक्ट ज्यादा लेते हैं जिनसे वो रिसर्च ज्यादा सीख पाए। ओके, अगर ऑन द कॉन्ट्ररी अगर इंडियन स्टूडेंट है तो वो स्टेम सब्जेक्ट ज्यादा लेता है जिससे आपके जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वो जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट से ज्यादा जाते हैं मेजर स्टूडेंट्स, क्योंकि उन प्रेशर भी रहता है, लोन का प्रेशर रहता है, ठीक है, विच इज़ फाइन। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेजर प्रॉब्लम है, अगर आप देखोगे तो लास्ट 20 ईयर्स में चाइना ने दे हैव प्लान टू बिल्ड 100 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, बट ऑन द सेम साइड अगर इंडिया के पास कोई प्लान नहीं है। अगर आप डेटा देखोगे तो आपको कोई डेटा ऐसा मिलेगा नहीं। यहाँ पे 75% अटेंडेंस कंपलसरी है लेकिन। हाँ, तो वैसा माइंडसेट हो गया इसीलिए। तो अगर आप देखोगे स्टैट्स में तो अगर टॉप 50 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड पकड़ोगे तो उसमें चाइनीज यूनिवर्सिटीज हैं बट इंडिया हैव नन। तो ये मेजर शिफ्ट तब आएगा जब आप यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बिल्ड करोगे। ओके, अभी लास्ट चाइना में ऐसा एक एजुकेशन पॉलिसी रूल है, मिनिमम एजुकेशन पॉलिसी, कि हर एक इंडिविजुअल को 9 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इज कंपलसरी फॉर ऑल, बट इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है। इंडिया में भी ऐसा रूल लगाना चाहिए ताकि बहुत सारे पॉलिटिशियन है जिनका हमें डेटा भी नहीं पता कि वो कितने एजुकेटेड है नहीं है। मतलब अगर सबके लिए एजुकेशन होगा तो एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ चीज़ें बाहर से सीखनी चाहिए, सब कुछ कॉपी नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंडिया में अच्छी हैं, ठीक है, बट कुछ सिस्टम्स, कुछ कंट्रीज की कुछ सिस्टम्स, कुछ पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। अगर वो हम लोग यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारा मेजर शिफ्ट आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। राइट नितेश, यहाँ पर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स बाहर जाके स्टडी कर रहे हैं और वहीं पे जॉब लेके सेटल हो जा रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चे खुद फॉरेन में जाके स्टडी कर रहे हैं और कई लोग तो वहीं पे सेटल हो गए। तो जो पॉलिटिशियंस हैं जिन्हें हम ये समझ के वोट देते हैं कि वो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करेंगे, यहाँ पे जॉब क्रिएट्स करेंगे, जब वो लोग ही इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसे कौन फॉलो करवाएगा? शायद हमें ये समझना होगा कि हमारे वोट का क्या कीमत होता है। और मुझे लगता है यहाँ के लोगों को ये पता नहीं कि एक एक वोट कितना मैटर करता है, और शायद इसीलिए कई लोग एक पैक लेके किसको भी वोट दे देते हैं। तो मैं बताता हूँ कि ये पॉलिटिशियंस अपने बच्चे को बाहर क्यों भेजते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रिजर्वेशन की वजह से शायद उनके बच्चे को यहाँ पर अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ना मिले, तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। राइट, अब रिजर्वेशन इतना अच्छा कंसेप्ट था कि अंबेडकर जी ने यह सोच के रखा था कि 10 सालों में जो दलित समाज है उसे ऊपर उठाया जाएगा, लेकिन ये पॉलिटिशियन लोगों ने क्या किया, इन्हें तो हिंदू मुस्लिम दलित के बीच में लड़ाई करवानी है। आप देखोगे इतनी सारी रैलीस होती है, आप जाओ दलित समाज की रैली में जाओ तो हिंदुओं को गाली देते हैं, हिंदुओं के रैली में जाओ तो उनके गाली देते हैं, तो आपस में ही तोड़ने की कोशिश की गई। अब जो पॉलिटिशियंस है, आप जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखोगे इंडिया में, ज्यादा से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस सब पॉलिटिशियंस के हैं। अब जैसे किसी गुजराती ने कॉलेज बनाया तो वहां पे गुजराती कोटा, किसी ने ठाकुर ने कॉलेज बनाया तो वहाँ पे ठाकुर कोटा। मतलब आप क्या कर रहे हो, एजुकेशन इंप्लीमेंट कर रहे हो कि कास्टिज्म इंप्लीमेंट कर रहे हो? या ये सोचने का एक मतलब एक टॉपिक है। अब अंबेडकर जी ने जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट रखा था उसे एकदम गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया गया। अब ये क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग स्कूल्स में पढ़ते हैं तो क्या हमें पता रहता है कि मेरे साथ जो फ्रेंड है वो ठाकुर है, ब्राह्मण है या दलित है? शायद नहीं। हम लोग आपस में खेलते हैं, मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे का टिफिन खाते हैं, लेकिन जैसे ही एडमिशन के टाइम पे जाते हैं 11th 12th जूनियर कॉलेज में, तो वहां पे पता चलता है यार मेरा ही दोस्त था, इसका मार्क्स तो कम था। राइट, तो वहां पे फिर भेदभाव लगता है कि उसका मार्क्स कम होते हुए उसे एडमिशन मिल रहा है और मुझे नहीं मिल रहा है। अब इसका मैं एग्जाम्पल बताता हूँ ये गलत क्यों है। अब समझो कि कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें एक बच्चा बैकवर्ड क्लास से आता है, उसका रैंक है ऑल इंडिया रैंक 10,000। अब उसी के क्लास में एक ऑल इंडिया रैंक 1,000 का बच्चा है। राइट, तो अब उसके साथ कैसे कम्पीट करेगा? मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जितने भी लोगों को रिजर्वेशन दिया गया क्या उनका कोई ट्रैक रखा गया कि आज उनका सोशल स्टेटस क्या है? मेन पर्पस तो यही था ना उनके सोशल स्टेटस को ऊपर उठाना, लेकिन किसी का भी ट्रैक रखा गया कि जितने लोगों को रिजर्वेशन दिया आज वो कहां पर है? शायद नहीं। गवर्नमेंट की जवाबदारी बनती थी, पॉलिटिशियंस की जवाबदारी बनती थी कि वो ऐसे इवेंट्स रखा है जिनमें उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करे कि रिजर्वेशन का सही यूज करके वो कैसे अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। इसलिए आप देखोगे कि इनके सोसाइटी में आज भी आप जाओगे तो कई लोग पिछड़े के पिछड़े ही रह गए, तो अभी तक भी रिजर्वेशन का पूरा फायदा नहीं मिल पाया और शायद इसलिए अभी तक वो निकला नहीं है। लेकिन हमें ये समझना होगा, हम लोगों को ये समझना होगा कि हम ऐसे पॉलिटिशियन को चूज करें जो इस रिजर्वेशन सिस्टम को चेंज करे और इसे सही डायरेक्शन में इंप्लीमेंट करे। इसका सही डायरेक्शन इंप्लीमेंटेशन ये होगा कि बच्चों का शुरू से ध्यान दिया जाए, उसे हायर एजुकेशन में सीधा रिजर्वेशन ना दिया जाए।
नहीं तो क्या होगा, मान लो आप शुरू से उसे ये ध्यान नहीं दे रहे हो कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, उसे सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, उसे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम तो है नहीं। अगर आप शुरू से उस पर ध्यान दोगे तो शायद आपको हायर एजुकेशन में उसे रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है। और एक्चुअली में हम करना क्या चाहते हैं, अगर आपको एट द एंड करना क्या है, अच्छे डॉक्टर्स अच्छे इंजीनियर्स क्रिएट करने हैं, तो आप जब इंजीनियरिंग के लिए उसे रिजर्वेशन दे दे रहे हो और उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो क्या वो अच्छा इंजीनियर बन पाएगा, क्या वो अच्छा डॉक्टर बन पाएगा? शायद नहीं। तो इसे क्या अपना कंट्री पीछे जा रहा है, आप समझ रहे हो? तो ये हमें एक बार सोचने की जरूरत है। और एक सिटीजन एज अ यूथ जो है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीकेंड पे अल्ट बालाजी नेटफ्लिक्स पबजी ये सब भी टाइम वेस्ट ना किए बिना कुछ टाइम निकालकर अपने सोसाइटी में विजिट करे, जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनसे विजिट करे, उनके बच्चों के साथ मिले, उन्हें मोटिवेट करे, वो आगे कैसे लाइफ में बढ़ सकते हैं वो उनको बताए, तो शायद मुझे लगता है कि हम सब मिलके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि स्कूल में शायद हमको ये सिखाया नहीं गया कि मोरल और इथिक्स वैल्यू होती क्या है और सोशल वर्क क्या होता है। तो मुझे लगता है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जरूरत है कि हर एक पर्सन जो है वो डिसाइड करे कि उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। सही बोला नीरज तुमने, हम सबकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कंट्री को लेके। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट जेंडर रिलीजन एज एक एम होना चाहिए जिससे हमारी कंट्री में कुछ चेंज आ पाए। हम एटलीस्ट एक पर्पस तो रख सकते हैं ना अपनी कंट्री के लिए। हम कितना भी जय हिंद जय महाराष्ट्र कर ले, हमें पता नहीं हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्री को लेके, तो हमारा लाइफ वेस्ट है। ओके अगर हम सुबह उठते हैं और यार इस देश में तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता और शाम को सो जाते हैं, हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि हमारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इस कंट्री की ग्रोथ के लिए, हमने क्या कंट्रीब्यूट किया। हम कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ यू नो हम सोचेंगे कि सब कुछ चेंज हो जाए, नहीं होगा। मुझे नहीं लग रहा कि सिर्फ डिफेंस या आर्मी वालों ने ठेका लेके रखा है, हम सिविलियंस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइट कंट्री को लेके। हम सिर्फ टैक्स भर देंगे वो भी हम अच्छे से नहीं भरते, और हम लोग सिर्फ कंप्लेन करते रहेंगे कि चेंज हो जाए, तो चेंज नहीं आएगा। ट्रक या बस में इनक्रेडिबल इंडिया लिखने से इंडिया इनक्रेडिबल नहीं होगा, हमें एफर्ट्स लेने पड़ेंगे यू नो उसे इनक्रेडिबल बनाने के लिए। अभी आप कंट्रीज लाइक सिंगापुर यू नो इसराइल स्विट्जरलैंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 years ऑफ नेशनल सर्विस इज कंपल्सरी, मतलब आपको 2 साल आफ्टर 18 जब आप 18 क्रॉस करते हो तो 2 साल डिफेंस में सर्व करना जरूरी है। ऐसे प्रोग्राम्स हम इंडिया में भी अगर लॉन्च करेंगे जिससे डिसिप्लिन आएगा और दिल रियलाइज की एक नेशनलिज्म डेवलप होगा, उन्हें एक पर्पज मिलेगा यू नो कंट्री के लिए, उन्हें पता होगा क्लियर होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यंग पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, गाइड करना चाहिए कि उनका एक एम हो, पहले वो कंट्री के बारे में सोचे, यू नो नेशन शुड कम फर्स्ट, पहले वो कंट्री के बारे में सोचे देन वो अपने बारे में सोचे। तो उन्हें हर एक इंडिविजुअल का एक पर्पस होना जरूरी है, वो क्योंकि कोई भी कंट्री ले लो, जापान ले लो या फिर जो भी बड़ी बड़ी कंट्री है वो इंडिविजुअल से बनी हुई है। ओके तो इंडिविजुअल पर्पस इज रियली इंपॉर्टेंट आई फील। राइट मुझे लगता है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं जितने भी यूथ लोग हैं वो वीकेंड पे नेटफ्लिक्स अल्ट बालाजी पबजी ये सब पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा आपस में मिलके डिस्कस करें कि सोसाइटीज की क्या क्या प्रॉब्लम है, उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि एजुकेशन का जो मेन पर्पस है वो यही होता है कि अपने सोसाइटीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एजुकेशन का पर्पस ये थोड़ी ना होता है कि अगर सामने वाले को 2 करोड़ का जॉब मिला है तो मुझे 3 करोड़ का जॉब मिले। हाँ, कोई कंपटीशन के लिए एजुकेशन नहीं होता है, एजुकेशन को हमें रीडिफाइन करने की जरूरत है। और ये सब हम लोग यूथ मिलके ही कर सकते हैं। और जितने भी बड़े बड़े आप देख सकते हो बड़े बड़े लोग बने हैं, चाहे आप आइंस्टाइन ले लो चाहे आप धीरूभाई अंबानी ले लो, कोई भी फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू बड़ा नहीं बना है, ये तो 100% गारंटीड है। क्योंकि एजुकेशन का जो रियल इम्प्लीमेंटेशन है ना वो शायद हमारा सिस्टम नहीं कर रहा है। तो हम जैसे यूथ को मिलकर उस चीज को करना होगा। और हमें समझना होगा कि हर बच्चा मैथ्स और साइंस के लिए नहीं बना है, कोई स्पोर्ट्स के लिए बना है, कोई पेंटिंग के लिए बना है, कोई म्यूजिक के लिए बना है, कोई डांस के लिए बना है। तो हमें ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे सोसाइटी में है उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना होगा, उन्हें उस चीज के लिए मोटिवेट करना होगा और कहीं ना कहीं उन्हें करेज करना होगा कि उस लाइन में वो आगे बढ़े। अगर हमारा स्कूल और अगर हमारा सिस्टम उस चीज को प्रमोट नहीं करता तो हम जैसे यूथ को ऐसे टैलेंट को ढूंढ के उन्हें प्रमोट करना होगा। राइट, तो आइए दोस्तों इस चीज को प्रमोट करते हैं, आपस में मिलके इंडिया के एजुकेशन को रीडिफाइन करते हैं। और आप इसके लिए आपके पास कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। जय हिंद जय महाराष्ट्र। जय हिंद।